बहुत बड़ा आदमी बन गया तू, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। तू कहता था ना कि माँ तुम गंगा पार नहीं करोगी, देख आज तेरी माँ ने गंगा पार कर ली। माँ मैं जानता हूँ तू मुझे गंगा से भी ज्यादा प्यार करती है। अरे माँ अपनी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। ए गुड़िया तूने कॉलेज कैसे टॉप किया? मेरे साथ भगवान, माँ और आपका आशीर्वाद जो है भैया। बेटा बहू नहीं आई? माँ वो संजना। बहू यहाँ बेटा। आज पता चला जिंदगी ने राजीव को कितना कुछ दिया है जो मुझे नहीं दिया। आशीर्वाद दीजिए माँ। बहू की जगह सास के पैर में नहीं उसके दिल में होती है। बाकी राजीव ने जितना तुम्हारे बारे में कहा था उससे तो कई ज्यादा सुंदर हो तुम। तुम्हें पता है सुहानी तो तुम्हारी तस्वीर लेके पूरे इलाहाबाद में घूमती थी कि मेरी भाभी से सुंदर कोई नहीं है ना बेटा। हाय भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। अरे बेटा वो ले आओ। अभी लाई माँ। बहू राजीव के पिता ने बहुत दौलत तो नहीं कमाई लेकिन पूरे इलाहाबाद में उनका बहुत नाम है, बहुत इज्जत है। बेटा मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे का सम्मान यही हमारी पूंजी है। बेटा ये कंगन और ये सुहाग का जोड़ा मुझे मेरी सास ने दिया था। हर माँ चाहती है कि उसकी बहू को सुहाग के जोड़े में देखे। मेरी भी तमन्ना है, क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगी? माँ वो इट्स ओके, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। पता नहीं संजना ये जोड़ा पहनेगी भी या नहीं। ये ले बेटा गंगा जल, इसे हमारे बुजुर्गों ने माँ का दर्जा दिया है और पता है इसे अपने पास रखने से ममता की छांव हमेशा रहती है। जी माँ। देखो भैया माँ आपके लिए क्या बनाकर लाई है, तिल के लड्डू। बहुत तिल के लड्डू? माँ आपके हाथ के बनाए लड्डू खा के जमाना हो गया। अरे रुक जा, पहले मैं अपनी बहू का मुंह मीठा कराऊंगी। माँ संजना बाद में खा लेगी, पहले मुझे खाने दीजिए। रुक जा, चल छोड़ दे। कितनी देर हो गई भैया, भाभी क्यों नहीं आ रही है? अभी आ जाएगी बेटा, सबर कर। संजना आइए आइए भाभी, बहुत ही सुंदर लग रही है अब तो। किसी की नजर न लगी तुम्हें बेटा। मुंह मीठा कर ले बहू। ये क्या है? तिल का लड्डू। लड्डू कैसा लगा भाभी? ये भैया के पसंद के लड्डू हैं। वैसे भैया की पसंद है लाजवाब, इतने कम समय में इतना बड़ा रुतबा, ये गाड़ियां ये बंगले,
ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। आप सचमुच ही भाग्यशाली हैं भाभी, जो आपको भैया जैसे पति मिले। एक्सक्यूज मी, बेटा बहू क्यों अचानक चली गई? हाँ, वो सुबह से ऑफिस में काम कर रही थी, बेचारी थक गई होगी। मैं अभी देख के आता हूँ। चाना, तुम अचानक उठकर क्यों चली आई? बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले आना, मां को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा राजीव, जब मुझे पता चला कि तुम कितने झूठे और कमजोर इंसान हो। मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो राजीव। देखो चाना, इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमारे बीच गलत फहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। राजीव, ये छोटी मोटी बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हमारी शादी सच्चाई के बुनियाद पर हुई थी, हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं था। तुम्हारी बात सही है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आज तुमने मेरे उस विश्वास को तोड़ दिया राजीव, तुमने मेरे उस विश्वास को तोड़ दिया। हमारी शादी को 2 साल हो गए, अब भी तुमने अपनी माँ और बहन को अंधेरे में रखा। This is ridiculous. I know. लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? तुम्हें ये लगा कि ये झूठी शानो शौकत दिखाकर तुम अपने माँ का विश्वास जीत पाओगे? नहीं राजीव, विश्वास सच्चाई पे होता है, और सच्चाई यही है कि ये धन दौलत, ये घर, इस घर की एक एक चीज मेरे पापा की और मेरी है, मेरी। तुम सिर्फ गुजराल खानदान के घर जमाई हो, घर जमाई, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजीव, इलाहाबाद से तू बॉम्बे आ गया, शादी भी कर ली, लेकिन बेटा तेरा बचपना कब जाएगा? वो माँ, एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि ये जल्दबाजी तुझे किसी दिन बहुत महंगी पड़ेगी। तुझे होश है? तू अपना पैसों वाला पर्स नीचे भूल आया था। घर में इतने लोग रहते हैं बेटा, और पैसा ऐसी चीज है कि किसी का भी ईमान खराब हो जाए। ये ले, अपना पर्स ले। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बहू, राजीव को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा पता है? जब तुम लोगों की औलाद पैदा होगी। बहू, मुझे पोता चाहिए। पोता? हाँ बेटा, जिसकी आंखें राजीव जैसी हो और शक्ल तुम्हारी जैसी प्यारी प्यारी हो, जिसे रात दिन मैं अपनी गोद में खिलाकर बड़ा कर दूंगी। माँ जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कोई खुशखबरी है? माँ जी, वो बात ये है कि अरे माँ, वो जो आपने सुहागा जोड़ा और कंगन दिए थे, संजना को बहुत पसंद आए। अब देखो बहू, ये सुहागा जोड़ा और वो शगुन के कंगन है ना, तुम्हें अपनी बहू आने तक संभाल के रखना है। और सुनो, कोई भी खुशखबरी हो ना, तो राजीव से पहले तुम मुझे बता देना। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि राजीव जैसा होनहार और लायक बेटा तुम्हें दे। इट्स हॉरिबल राजीव, तुम्हारी माँ ने तो आते ही बच्चों के सपने देखना शुरू कर दिया। आज तुमने मुझे असलियत बताने से रोका है, कल जब असलियत सामने आ जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी राजीव, सिर्फ तुम्हें। आज तो मैंने संजना को रोक लिया, लेकिन अगर माँ को यह पता चल गया कि मेरा वजूद इस गुजराल फैमिली से अलग कुछ भी नहीं है, तो मैं उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मां, मां,
अरे माँ देखो ना, माँ देखो ना, भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। माँ देखो ना, मेरी विदाउट पैंट स्कूल जाने वाली बातें वो संजना को बताने जा रही थी। भैया ने भाभी को मेरी सारी बातें बता दी तो मैं भी बताऊंगी। तुम दोनों को लड़ता देख कितना अच्छा लग रहा है। पता है राजीव, इलाहाबाद में तो लड़ना ही भूल गई थी। अब मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा, अब ये बड़ी हो गई, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। भैया देखा माँ, लड़की की बात की और इसका चेहरा लाल हो गया। मैं भैया से कह दूं, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। भैया कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाए, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ भैया के साथ आप भी। ए सुहानी, तू जानती है ना मैं तेरा पेरेंट हूँ। अच्छा माँ एक बात बताइए, आप मुंबई में क्या क्या देखना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं एलिफेंटा केव जाऊंगी, उसके बाद नेशनल पार्क, जुहू बीच, फैंटेसी लैंड। ठीक है मैं तुझे घुमा लाऊंगा, लेकिन माँ आप क्या देखना चाहती हैं? अब मेरी उम्र हो गई बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी घूमने। फिर भी माँ तू जिद कर रहा है, तो मुझे शिरडी के बाबा के दर्शन करा देना। शिरडी? ठीक है, गुरुवार शिरडी के दर्शन के लिए शुभ रहेगा, हम गुरुवार को चलेंगे। अच्छा। और तुझे मैं संडे को घुमा लाऊंगा। ओके अच्छा माँ मैं जाके तैयार होके आता हूँ। माँ भैया तो बिल्कुल ही नहीं बदले हैं ना? हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम? जी हाँ मैं। तुम मिस्टर दिग्विजय सिंह चंडेल के सेक्रेटरी हो ना? जी नहीं, था तब दिग्विजय सिंह चंडेल किंग थे, ग्लोबल इंटरनेशनल टॉप पर थी तब, लेकिन अब सब पास्ट टेंस में तब्दील हो गया है मैडम। पास्ट भूतकाल, आप समझ रही है ना? व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, सच कह रहा हूँ। दरअसल क्या है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ ना, इसलिए मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है। बाकी बेरोजगारी में अक्सर ऐसा होता है। आपके यहाँ मुझे नौकरी मिलेगी? लगता है दिग्विजय सिंह चंडेल ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। अरे वो क्या निकालेंगे बाहर मुझे, दरअसल बाहर तो उन्हें आपने निकाला है, भारत से, मलेशिया। ओह तो मिस्टर दिग्विजय सिंह इंडिया छोड़कर मलेशिया भाग ही गया? जी हाँ मैडम, शायद हमेशा के लिए। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो मिस्टर दिग्विजय सिंह को पता चल ही गया कि फैशन वर्ल्ड पर सिर्फ संजना गुजराल का राज है, सिर्फ संजना गुजराल का राज, राइट? यस मैडम। फॉलो मी। ओके मैडम। इंटरनेट के थ्रू उन्हें रिमाइंडर भेज दिया गया है सर। और मोड ऑफ पेमेंट? वो सिंगापुर के एजेंट के थ्रू डायरेक्टली क्लियरेंस में चली जाएगी। पेज पर छाप का जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इससे ग्लोबल इंटरनेशनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर, शीतल देशपांडे ने अपने एडिटोरियल में आपके खिलाफ काफी उल्टा सीधा लिखा है, इससे ग्लोबल इंटरनेशनल को काफी फर्क पड़ सकता है। आई थिंक सर हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, शीतल देशपांडे के खिलाफ स्ट्रॉन्ग। फुलवा के सब रस ले लीनी रे पिंजरे वाले। काका कितने सुंदर फूल हैं ये। अरे बिटिया ये क्या कर रही हो,
अरे बहुत कीमती है, कहीं टूट ना जाए। बिटिया बिटिया ये खास मेम साहब के पिताजी जर्मनी से लेके आए हैं। ला हम कर दे दो, ये मेम साहब के कमरे में रखाते दो। काका ये छोटे मोटे काम तो मैं भी कर सकती हूँ, ये काम मैं करूंगी। नहीं बिटिया ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा रोज का काम है। बगीचा से ताजा ताजा फूल लाना, गुलदस्ता सजाना और ये गुलदस्ता मेम साहब के कमरे में रख देना। ला ये फूल मैं रखूंगी भाभी के कमरे में। नहीं बिटिया ला हम कर दे, बिटिया बिटिया जरा संभाल, बिटिया 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 मेम साहब वो गैर जिम्मेदार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस फ्लावर पॉट की मेरे लिए क्या अहमियत थी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेम साहब गलती से वो गलती, मैं तुम्हें गलती करने के लिए तनख्वाह देती हूँ? हाँ और वैसे भी तुम जानते हो कि इस घर में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। भाभी ये सब मेरी वजह से हुआ है भाभी।